वालेकुम दोस्तों, आई होप, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त ठीक हो गए। तो आज मैंने अपनी फसलों को निकला था, तो मैंने कहा एक छोटी सी ना सफ़ेदों के साथ वीडियो बनाई जाए, आप दोस्तों को दिखाया जाए कि ये जंगल थल का इलाका है जहाँ सफ़ेदा बहुत ज़्यादा होता है। आप देख सकते हैं मेरी चारों तरफ सफ़ेदा ही सफ़ेदा है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने कहा चलो यार, मैं अब अपनी फसलों को सैर सपाटा करने निकला था, तो मैंने कहा यार अपने दोस्तों को भी थोड़ी सी ना विज़िट कराई जाए। तो दोस्तों ये सफ़ेदा की फसल ना यकीन जाने बहुत ही अच्छी है, तकरीबन अगर 3-4 साल है ना इनको ना कटाया जाए ना तो तकरीबन ये चार लाख रुपया सुकून से सफ़ेदा कर जाता है। तो अगर आप भी कोई दोस्त ख़रीदना चाहता है ये थल का रकबा तो मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा अगर सफ़ेदा या रकबा को बराए फ़रोख्त हुआ तो आप दोस्तों को लाजमी बताऊँगा। तो दोस्तों कैसे लग रहा है ये देखें, आप नज़दीक जाकर दिखाता हूँ, ये देखें, ये माशाल्लाह सफ़ेदे का देखें कद भी बहुत अच्छा है, तो सफ़ेदा बताते ख़ुद भी बहुत अच्छा है। दोस्तों मैंने कहा यार ना थाल का रकबा है तो इसका है ना विज़िट किया जाए, यानी आप दोस्तों को भी सैर कराई जाए। माशाल्लाह ये देखें ये थाल का रकबा है। अब आपको थोड़ी सी मिट्टी दिखाता हूँ कि आप मानेंगे वाकई ये थल है। ये देखें ये रेगिस्तान है, ये रेगिस्तान है, यहाँ की मिट्टी चेक करें कैसी है। जो शहर वाला होता है इलाका ना वो उसकी रत्ती लाल मिट्टी होती है, यहाँ बहुत ही कमज़ोर मिट्टी होती है। माशाल्लाह फसल तो अच्छी हो जाती है मेहनत करने से। तो बाकी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेहरबानी होगी आप मेरी सपोर्ट कर दें। तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह नेकबान, शुक्रिया सब दोस्तों का, ओके, अस्सलाम वालेकुम।